अमरावती सेंट्रल जेल में देसी बम फेंके जाने से काफी बड़ा धमाका हुआ है, जिससे सेंट्रल जेल परिसर में अफरा तफरी मच गई है। महाराष्ट्र में अमरावती सेंट्रल जेल के अंदर शनिवार देर रात धमाके से हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने बताया कि जेल के बैरक 6 और 7 के सामने विस्फोटक फेंके गए थे जो बाद में फट गए। सौभाग्य से घटना में कोई भी हताहत नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात शख्स ने बीती रात जेल के बाहर से क्रिकेट की गेंद में बारूद भरकर फेंका और बाद में विस्फोट हो गया। घटना के बाद सीपी और डीसीपी समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बम निरोधक दस्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह धमाका शनिवार रात करीब 8:30 बजे के करीब हुआ है। फॉरेंसिक टीम विस्फोटक की जांच करी है। अधिकारी फिलहाल सेंट्रल जेल के अंदर विस्फोटक फेंकने के पीछे के मकसद की जांच कर रही है। कई टीमें विस्फोटक फेंकने वालों का पता लगाने की कोशिश करी है। बैरक नंबर 67 एक फटाका कि बॉम्ब फुटल्यासारखा मोठा आवाज आलेला आहे, असं जेलचे जे वॉर्डन आणि तिथले जे गार्ड आहेत त्यांना ते आवाज ऐकू आला आणि आतमधल्या कैद्यांना ऐकू आलं जे की बॅरॅकमध्ये होते अजिबा खाली। नंतर मग ते त्यांना एक बॉल मिळाला खाली न फुट जे फुटला नाही, त्याच्यावरून आम्ही पोलीस स्टेशनला कळवल्यानंतर आम्ही सर्व इथे तात्काळ पोचलो, सर्व टीम पोचली, VDDSची टीम पण पोचलेली होती आणि नंतर प्राथमिक तपासणी केल्यावर असं लक्षात आलं की एक बॉलच्या स्वरूपातला तो फटाका आहे, फटाका कोणीतरी बाहेरून फेकल्याचा असं एक अंदाज आहे, बाहेरून फेकला आहे कारण तो मागच्या साईडच्या भिंतीवरून आलेला दिसतो। तर ते आता प्राथमिक तपासामध्ये कोणी फेकला, कशासाठी फेकला याची माहिती घेत आहे। याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची कोणाला इजा झालेली नाही किंवा जखमी झालेलं नाही कोणी। फटाका सदृश्य मटेरियल दिसतोय, त्याची आता फोरेन्सिक तपासणीसाठी फोरेन्सिकची पण टीम बोलवली आहे आणि ती टीम सध्या आता ती तपासणी करत आहे। बाकी माहिती डिटेल्स तपास प्राथमिक झाल्यानंतरच कळेल। फटाक्याची दारू आणि फटाकामध्ये जी दारू असते तीच ते क्रिकेटचा जो प्लास्टिकचा बॉल असतो त्याच्यामध्ये टाकून वात टाकून फेकलेलं असं दिसते प्राथमिक। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टिमरे की रिपोर्ट।